में आती है, तो उसको किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैं आपको एक वेबसाइट दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, जिसका नाम है चश्मा लगाओ डॉट कॉम। तो ये वेबसाइट अभी आप देखेंगे तो ये ओपन नहीं होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका जो SSL है नॉट सिक्योर दिखा रहा है, और मतलब कि इससे क्या है, आपका वेबसाइट हैक भी हो सकता है। चलिए मैं इसके डोमेन को कॉपी करता हूँ और इनकॉग्निटो में एक बार ऑन करता हूँ। भले ही ये साइट ओपन हो रही है, लेकिन ये एक एरर है। अगर आप इसे मोबाइल में भी ऑन करेंगे ना, तो भी मतलब कि जो है आपको नॉट सिक्योर दिखाएगा। ये देखिए दिखा रहा है ना नॉट सिक्योर, भले ही ये ओपन हो रही है उससे कोई मतलब नहीं। ये HTTPS यहाँ पे लिख करके आना चाहिए। ठीक, तो ये अब कैसे लिख करके आएगा, चलो आगे हम दिखाते हैं आप लोगों को। तो आपके लिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, रियली सिंपल SSL, आपको इसको इंस्टॉल कर देना है और आपको जाना है अपने GoDaddy अकाउंट में। ठीक है, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम जा रहे हैं इधर GoDaddy अकाउंट में, या फिर जो भी जहाँ से भी आपने होस्टिंग परचेज की है उसके सी पैनल में जाना है आप लोगों को। ठीक है, जब आप सी पैनल में जाएंगे तो सी पैनल में आपको ऑप्शन मिल जाएगा SSL सर्टिफिकेट का। ठीक है, या तो यहाँ पे देखिए ये जो सर्च वाला ऑप्शन आ रहा है, इसमें आप SSL या TLS सर्च कर लेंगे और इस पे इस तरीके से क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप SSL या TLS पे क्लिक करेंगे, आपको इस तरीके के ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे। फिर उसके बाद आपको मैनेज SSL पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है आप लोगों को, मैनेज SSL पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप मैनेज SSL पे क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ब्राउज सर्टिफिकेट, मतलब किस पर आपको सर्टिफिकेट लगाना है, तो मुझे इस वेबसाइट पे लगाना है। ठीक है, तो इस वेबसाइट पे सर्टिफिकेट लगाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सर्टिफिकेट CRT चाहिए और प्राइवेट की चाहिए और सी कैप बंडल चाहिए। ठीक, तो सी बंडल के लिए हमें क्या करना है, जैसे मैंने ये इंस्टॉल कर लिया, इसको मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देख लो लाइव प्रूफ है, यहाँ पे देखो नॉट सिक्योर लिख के आ रहा है। तो अभी मैं इसको एकदम से ठीक करने वाला हूँ। आप लोगों को केवल एक ही प्लगइन यूज करना है, रियली सिंपल SSL। ठीक है, और इसमें देखो वेबसाइट में जो है कुछ एरर भी दिखा रहा है। तो अभी देखिए ये जो प्लगइन है इंस्टॉल हो चुकी है, और अब इसमें क्या करना है। अब जैसे मान के चलिए ये जब इंस्टॉल हो जाती है और 100% ये फार्मूला काम करेगा, अगर फार्मूला काम नहीं करता है तो आप जो है मुझे मैसेज करिएगा। यहाँ पे देखिए लिखा है एक्टिवेट SSL, ये देखिए यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड पे क्लिक किया हुआ है ऑलरेडी, बाई डिफॉल्ट है, आपको कुछ करना नहीं है, जो चीजें डिफॉल्ट है उसमें कुछ नहीं करना है, एक्टिवेट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब जैसे ही एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है और यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आप लोगों को होस्टिंग प्रोवाइडर सिलेक्ट करना है, जैसे कौन सा होस्टिंग है मेरा, मेरा होस्टिंग है GoDaddy, तो मैंने GoDaddy सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे ओवरराइड भी कर सकते हैं, अगर कोई डिटेक्ट करता है तो ओवरराइड डिटेक्शन कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए एक्टिवेट SSL और इंस्टॉल SSL, तो मैं सबसे पहले इसमें जो है इंस्टॉल करता हूँ। तो ये 2024 का ट्रिक है, इसको जो है आप इस तरीके से अगर करेंगे तो आप लोगों को जो है फ्री में आपका काम हो जाएगा। तो अभी देखिए ये इंस्टॉल हो रहा है, इसे हम बोलते हैं लेटेस्ट इनक्रिप्ट। तो अभी क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, उसके बाद ये सी पैनल वगैरह अपने आप ले लेगा, ये आपको कुछ डालना नहीं है। डू यू वॉन्ट टू स्टोर दिस क्रेडेंशियल फॉर रिन्यूअल प्रोसेस, तो हमको जो है रिन्यूअल प्रोसेस के लिए नहीं सेव करना है, मैं फिर से करूंगा। ठीक, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, तो ये ऑटोमेटिक देखो चेक कर रहा है आपकी होस्टिंग को चेक करेगा, आपकी प्रोग्रामिंग को चेक करेगा, ठीक, आपके सी पैनल को चेक करेगा, फिर उसके बाद की जनरेट कर देगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद फिर आपको करना है क्लिक सेव एंड कंटिन्यू पे। तो अभी देखो क्या आ रहा है, टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट हो गया, क्रिएटिंग अकाउंट, अकाउंट भी अपने आप क्रिएट करेगा, जनरेटिंग SSL, जब ये आपका ग्रीन आ जाएगा तो समझ लो आप SSL लगा सकते हो। तो अभी देखो तीसरा वाला प्रोसेस चल रहा है, तो अटेम्प्ट वन में तो ये फेल हो गया, अटेम्प्ट टू अब कर रहा है, अटेम्प्ट वन हमारा फेल हो चुका है, अटेम्प्ट टू में देखते हैं क्या करता है। तो अटेम्प्ट टू सक्सेसफुल हो गया, तो अब यहाँ पे देखिए सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अब ये क्या बोल रहा है,
ये बोल रहा है कि हमने जो है इन्होंने कोड दे दिया है, देखो ये सीआरटी का कोड है तो यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है। सीआरटी का कोड मैंने इस पे कॉपी पे क्लिक कर दिया है, ठीक है। कॉपी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाएंगे और सीआरटी में कंट्रोल बी दबा करके पेस्ट कर देंगे। तो ये देखो आ गया सीआरटी। वैसे तो हम यहाँ पे ऑटो फिल कर देंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये अपने आप भर जाएगा, ठीक। चलो मैं दिखा देता हूँ एक बार भर के। तो देखो मैंने ऑटो फिल पे क्लिक किया लेकिन नीचे वाला भर गया, और यहाँ पे देखो प्राइवेट की नहीं भरा है, कैब बंडल भर गया है, तो की नहीं भरा है, तो की हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ये देखो की मैंने कॉपी कर ली। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं की पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद मैं इंस्टॉल सर्टिफिकेट यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे जो है सक्सेसफुल का मैसेज आ गया, ये देखो ग्रीन टिक हो गया। अब मैं यहाँ ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो ये देखो ये सर्टिफिकेट जो है इसमें इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा रिटर्न टू एसएसएल मैनेजर। तो रिटर्न टू एसएसएल मैनेजर में चला गया। अब यहाँ से मुझे कुछ नहीं करना है। अब मैं इसमें जाऊंगा, यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, ठीक। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब ये क्या बोल रहा है, कुड नॉट टेस्ट। अब यहाँ पे मैं एक बार एक्टिवेट कर देता हूँ, ठीक। ये टेस्ट करेगा यहाँ से कि हमने जो मतलब कि पेस्ट किया है कि नहीं सारी चीजें। अब देखो ये इनेबल करने के लिए बोल रहा है क्या क्या रिकमेंडेड, जितनी भी सेटिंग रिकमेंडेड है उसको आप कर ले। लेकिन ये देखिए प्रॉब्लम दिखा रहा है कोई, क्योंकि इसे प्रॉब्लम नहीं दिखानी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपका जो सेटिंग है वो लोड नहीं हुआ है। एक बार यहाँ पे आप रिफ्रेश करके भी देख सकते हैं। ये मैं जाता हूँ यहाँ पर इनकॉग्निटो में, ठीक है। एक्चुअली वहां से तो सर्टिफिकेट अब फिल हो गया ना, तो वहां से एक्टिवेट हो गया है, ठीक है। आपका जो सी पैनल से एक्टिवेट हो गया, तो यहाँ से देखो ये सिक्योर साइट दिखाएगा। यहाँ पे देखो कनेक्शन इज सिक्योर, तो यानी कि जो प्रॉब्लम थी वो तो हट गई है। तो आप देखिएगा एक बार इसने जो था लॉगिन करने के लिए मांगा था, ठीक है। तो मैंने दोबारा लॉगिन कर दिया है, यानी कि एक बार लॉगिन करने के लिए जब मांगेगा तो आपको एक बार लॉगिन कर देना है, ठीक। तो अब यहाँ पे जो है ये एक्टिव हो चुका है, एसएसएल एक्टिवेटेड, ठीक है। तो ये एसएसएल जब एक्टिवेट होता है तो एक बार ये लॉगिन करने के लिए मांगता है, ठीक। तो उसी तरीके से मैं अब आपको अपनी साइट यहाँ पे इनकॉग्निटो विंडो में एक बार रिफ्रेश करके फिर से दिखा देता हूँ। तो अभी आप देख लीजिएगा ये जो साइट है एकदम सिक्योर हो चुकी है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग भी अपनी वेबसाइट को सिक्योर कर लें, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे मैसेज कर दें व्हाट्सएप पर 7351100545। कोई भी दिक्कत होती है आसानी से आपकी जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे जो जो रेड रेड दिखा रहा था वो अब गायब कर दिया है मैंने, विद इन कितने मिनट में, विद इन 8 मिनट में। बस 8 मिनट के वीडियो में मैंने जो है एरर था वो खत्म कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये देखिए आपका एरर जो है खत्म हो गया है, लाइव प्रूफ।